इस गांव के सभी वासियों और यहां के नवयुवक मंडल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इनके द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। नौजवान लड़के लड़कियां इस मुहिम में हिस्सा लेकर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करिए। ये आप सभी से हमारा अनुरोध है। आपके खून का हर कतरा गरीबों की जिंदगी बचाने के काम आएगा। इस बात को मत भूलिए, मत भूलिए। सभी लोग इस मुहिम में शामिल। इस गांव में इतने अच्छे लोग हैं क्या जो खून देने के लिए लाइन लगा रहे? हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद। नेताजी रक्तदान करने आए हैं। ये सब मिलके खून देने जा रहे हैं कि पीने जा रहे हैं? सबका जिंदाबाद। भैया जल्दी निकाल लीजिए, खेतों में काम भी करने जाना है। जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद। यहाँ ये भाई तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? खून मत दे ना, बुलाना। ए हम लोग खून देंगे तो नहीं चलेगा क्या? हमारे खून का रंग भी लाली है। सर मेरी बात मानो, इसका खून मत निकालो, इसके हिस्से का मेरे में से निकाल लो। बेवजह लपड़े में फंस जाओगे, बोल देता हूँ। ये क्या बोल रहा है भाई? आप पहले अपना खून दे दो, इनका बाद में ले लेंगे। सुनो भाई, आप पे दया आई इसलिए खून देने आया हूँ। जितना चाहिए निकाल लो, अपने को कुछ नहीं होता। पता है भाई, आप लेट जाइए, लेट जाइए आप। अरे तेरे शेर को क्या हो गया? शेर किसी को डरता नहीं है, लेकिन सुई देखकर शेर को चक्कर आ गया। ले जा घर जाके लिटा दे। आप लेट जाइए भाई। ए! ये कौन शोर कर रहा है? तुम लोग और कहां से आए हो? हम कितनी तकलीफ से मटन चिकन खिलाकर बच्चों को बड़ा करते हैं और तुम लोग जॉब की तरह खून चूसने आ जाते हो हमारा। आखिर ये औरत है कौन? मैंने पहले ही बोला था, सुना नहीं? अब तुम सब गए, अब ये अंदर आएंगी और आकर तुम्हारा खून चूसेगी। होकट में मेरे को भी फंसा दिया। ए, मैं यहाँ इतना बात कर रही हूँ, तुम लोग मेरे बेटे के साथ अंदर क्या कर रहे हो? ए, कौन हो तुम? किसने मेरे बेटे का खून निकाला बताओ? शांत रहो, शांत रहो। किसने गांव में आने दिया? ये क्या है भाई? एक तो तुम मुफ्त का खाता है, ऊपर से खून देने आ गया और साथ में मेरे बेटे को भी लाया। सच बोलूं तो मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं आ जाऊं उसके पहले ये आके इधर बैठा था। मैं हाइट में छोटा हूं इसलिए मेरे को मत डांटो। माँ तू यहाँ क्यों आई? माँ क्या कुछ नहीं, देख तेरा चेहरा कितना उतर गया। कैसे निकाला उन्होंने खून? कितना बोतल निकाला? नहीं निकाला माँ, निकालेंगे भी तो वापस आ जाएगा। पागल, ग्लास से अगर पानी नीचे गिर जाता है तो वापस ग्लास में भर जाता है क्या? कुछ भी बोलता है। माँ जो बिन माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, हाँ? जब उन लोगों का ऑपरेशन होता है तो हमारा खून देकर उनको बचाया जाता है। अच्छा आप समझी, ये लोग अनाथ बच्चों को खून देते हैं? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था माँ, और आप है कि वहाँ दवा खाने में सबको ईंट से मार रही हैं। सुनो, ए सुनो, यहाँ पर इनके जो भी रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस वाले, जान पहचान वाले सब उठकर यहाँ से चले जाओ। माँ जी आपके किसी रिश्तेदार का हमने खून नहीं निकाला। रुक जा, मुझे भी खून देना है। इस मंदिर में आए सभी भक्त गणों और यहाँ बकरे की लड़ाई देखने आए सभी नौजवानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे साल भर की मेहनत के बाद इन बकरों को लड़ने के लिए तैयार किया गया है। वायल पट्टी मुर्गन का बकरा और कम्बन शिवनांडी का बकरा लड़ने के लिए तैयार है। ए अभी भी बोलता हूँ वापस चला जा, बकरे से बकरे के टक्कर करा के इज्जत निकालूंगा। ए, जो बकरा घास फूस खा के बड़ा हुआ है ना उससे जाके बोल, ये बकरा जैसा तैसा नहीं है, तेरे जैसे के तो चिथड़े उड़ा कर रख देगा। अबे सुन, बहुत दिन हो गया मटन खाए हुए, छोड़ो बकरे को मैदान में। ये! इस मुकाबले के फैसले की घड़ी आ गई है। रुक जाओ, इस खेल को रोक दो, इसे आने दो। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? इन बकरों के बीच लड़ाई करवाने के बजाय इन दोनों के बीच लड़ाई करवानी चाहिए। क्या रे तुम लोग बकरे को शराब पिलाकर इनाम जीतना चाहते हो? ऐसी हरकतें तुम लोग करते हो, हम लोग नहीं, समझा? ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। भाइयों और बहनों एक बुरी खबर है, सेवन आंटी के बकरे को शराब पिलाया गया है ये साबित हो गया है, इसलिए वो इस खेल को हार चुका है। हम ये घोषित करते हैं और आप सबको ये बता दूं कि मुर्गन इस खेल में जीत चुका है। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। टेनी मुर्गन की इस जीत को हम सब तालियों से स्वागत करते हैं। आइए आइए हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आइए इनाम ले जाइए। खुशी के मारे पीने जा रहे हो क्या? बोल तो कप में भर के ले आऊं। पैसा वसूल।
शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो। पंगा मत लेना, बेवजह अपने आप को मुसीबत में डालोगे। कोई नहीं आगे आएगा, आगे नहीं आएगा भाई, छोड़ूंगा नहीं मैं। हट चल, बोल रहा हूँ चला जा, बेवजह परेशान मत करना मुझे, नहीं तो जिंदगी भर पछताएगा देख लेना। ए, आगे नहीं आना, नहीं तो नानी याद दिला दूंगा तेरी। हट बेटी वीरई, मजदूर नहीं मिला क्या जो तू खेत जोत रही है? मोका सामी का बेटा खेत जोतने के लिए 500 रुपया मांग रहा है, लेकिन मैं उसके भरोसे पे नहीं हूँ, ऊपर वाला मेरे साथ में है। हे, हे, अगर इन गांव वालों के भरोसे रहती तो जिंदगी में अपनी जमीन और घर नहीं संभाल पाती। हे, आपने जो कुछ भी सिखाया है अब तक उसी के भरोसे जिंदगी जीते आई हूँ। अरे क्या हुआ, क्या परेशानी है? मेरा बेटा चोर है क्या? चोरी तो है, चोरी करके लाया है। ए, कब कहाँ है, कहाँ रखा है? देख सच सच बता, तूने ही चोरी की है, तेरी वजह से हर रोज परेशानी होती है, तूने खानदान की नाप कटा दी। नालायक कहीं के, वहाँ इसके आदमियों ने हमला किया और कप छीन लिया। ये लो अपना कप, इसमें तो पानी भी नहीं पी सकते, क्या फायदा इसके लिए इतना झगड़ा कर। क्यों बहन, अगर कप चाहिए था तो अकेले आती, साथ में आदमी को क्यों ले आई? बेटे को ईमानदारी से जीना सिखा। ए चल रे, ए मुझे मत सिखा, चल जा, तेरा बेटा तुझे बेच के खा जाएगा। ए मुर्गिया, मुर्गिया कहाँ चला गया ये? ए बटले, काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, आवाज क्यों दे रही है? कहाँ जा रहा है तू? चाय पीऊंगा उधर, पेपर पढ़ूंगा। कहाँ गया वो पिल्ला? कौन, तेरा बेटा ना? मैंने ना बोला था ज्यादा मत पीना, उन लोग ने पिलाया और मारा, पता है बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। मैं क्या पूछ रही हूँ, तू क्या बता रहा है? इतना सारा ड्रामा हुआ था उधर, आपसे कुछ छिप सकता है क्या? आप मामूली औरत थोड़ी नहीं। ए जा वरना थूक दूंगी तेरे मुँह पर, निकल। ए भाई, तेरा नाम रतालू क्यों रखा है? जानकर तू क्या करेगा? बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। पूछ लिया, मजा आया, आप डुबकी मार चल। ए भाई बताना। एक दिन बहुत भूख लगी थी, फिर मैं घर पे गया। माँ माँ, बहुत तेज भूख लगी है। अभी जाओ, एक घंटे बाद आना। एक घंटा खत्म ही नहीं होता। छी, अरे रे, ये क्या रखा है? आलू है क्या? अरे पागल, रतालू को कोई ऐसे कच्चा खाता है क्या? रतालू है क्या ये? अरे यार, गला जल रहा है क्या? रतालू खिला दिया यार। उस दिन के बाद आलू देखता हूँ तो भी डर लगता है। ए, तू मेरे पीछे बैठा हुआ है ना? नहीं, मैं सोया हूँ। अपने पैर पहिए से दूर रखना, अगर साइकिल को कुछ हुआ तो मेरा बाप मार डालेगा। हाँ, अपने बाप को समझाना। ये ले। हाँ तो माँ जी, आपने बुलाया था ना? मैंने कब बुलाया था और कब आया? ये एकदम नया मशीन है, पूरा खोपड़ा साफ कर देगा। चिल्ला क्यों रहा है, कहीं वो जाग न जाए। अंदर जा। हाँ तो मैं इधर इंतजार करता हूँ, उसको बुला। अंदर जा रहे।
जमाना कितना आगे बढ़ गया और ये अंदर जाने के लिए इतना सोच रहा है। तू तो गया बेटा। जो सोचा था वही हुआ। माँ जी आपका लड़का तो भाग गया। ए बेटे, से कैसे भाग बड़े बड़े लोग मेरी कटिंग से करते हैं। चलो बैठ जा, वहीं बैठ जा। मुझे कोई कटिंग मटिंग नहीं करानी। दिखने में छोटा हूँ लेकिन अपनी पकड़ अजगर जैसी है। बाल है कि झाड़िया, देख तो मशीन भी काम नहीं करने वाली, बता रहा हूँ। तू बोल तो फावड़ा लेकर आता हूँ, काट डालते हैं। इतना बारीक काटेंगे कि हाथ में नहीं आना चाहिए। इंसान होकर जंगलियों की तरह बाल बढ़ा रहा है। मशीन इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाल थोड़े कम कर दूंगा तो खूबसूरती भी कम हो जाएगी, चलेगा क्या? मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कल तुम ये ना बोलो कि बाल बहुत कम हो गए। वैसे भी माँ पुलिस को थोड़ी बोलेगी कि मेरा बेटा बच्चा। ए माँ बोलना इनको जाने के लिए, मैं चैन से जी रहा हूँ, तुझे पसंद नहीं है क्या? ए तुम लोग मेरे पीछे क्या पड़े हो? सुबह से कोई मिला नहीं तुम लोगों को, चलो भागो यहाँ से। रुक जा, तेरे बाल कैसे काटना है मुझे पता है। माँ जी एक काम करो, फटाफट पैसे दे दो, चलो। हैं? बाल काटे नहीं और तुझे पैसे चाहिए। नमस्ते। हे हे अंदर जाओ। चाहे 100 बकरियां हो, सबको संभाल कर घर पहुंचा देती है। बिन माँ की पली बच्ची है, इसको मैंने लड़के की तरह पाला पोसा है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही नहीं भेजूंगा। मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, मैं उसे ही दहेज में दे दूंगा। समधन जी मैं भी बता दूं, अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। सोचा था खर्चे के लिए 50,000 देगा तो उसके लिए घर बना दूंगी, कम ही बोल रही हूँ। माँ जी ये लीजिए, मैं ये 2,000 जमा करके रखे हूँ, अगर कम पड़ेगा तो ये भी ले लीजिए। ए, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। आपने बताया लड़की बहुत काम करती है लेकिन बोलती बहुत ज्यादा है। वो काम करने में अव्वल है और बोलने में भी अव्वल है। पान का पत्ता है क्या? हाँ है, ये लीजिए। 6 महीने में दोनों की शादी करवा देंगे। बहुत खुशी हुई। एक अलावती इधर आ मेरे पास, ये ले, इसमें मेरे बेटे की फोटो है, तेरी फोटो है तो ला कर दे। अपने बेटे को जिससे जन्म घुट्टी पिलाई थी उस चम्मच को अब तक संभाल कर रखा है, इससे पता चलता है कि आपका बेटा आपका कितना दुलारा है। इसीलिए इधर उधर देखने की बजाय मैं सीधा तुम्हारे घर पर आ गई। समधी जी फोटो लाई, ये देखो। कैसे संभाल पाऊंगी इसको। लड़की तो कलरफुल है, ये काला भी कलर ही होता है ना। तू जिंदगी भर आवारागर्दी करता फिरेगा ये मत सोचना। मैंने लड़की देख ली है, दिखने में अच्छी है और 1 एकड़ जमीन की मालकिन है। दिया लेकर भी ढूंढेगा ना तो ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी तुझे। ए माँ पैसे की लालच देकर मुझे मनाने की कोशिश मत कर, खूबसूरती से क्या होगा। एक गरीब मजदूर भी इनकार कर दे और तू बकरी चराने वाली लड़की से मेरी शादी की बात कर रही है। हाँ हाँ तू तो बड़ा कलेक्टर है ना, इसलिए तुझे डॉक्टर लड़की चाहिए, बेवड़ा कहीं का। माँ तू मुझे बेवड़ा बोल रही है तो बाकी लोग भी बेवड़ा ही बोलेंगे ना। ए, ए, ए माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करता है, दूं क्या? इधर आ, इधर आ। इसको देख, इसमें कमी क्या है? 1 एकड़ जमीन मिलेगी यार, मैं कोई राजकुमार से कम हूँ क्या? फिर भी हर लड़की मुंह पे ना बोल के चली जाती है, तू बता इसमें कोई कमी है क्या? माँ कल तू बोलेगी दूसरी लड़की से शादी कर ले, ये मुझसे नहीं होगा, मैं सोचने के बाद ही फैसला लूंगा। सोचेगा? तू सोचेगा? ध्यान से सुन, मैंने सब सोच लिया है, जबान भी दे दी है, 6 महीने के अंदर शादी होगी, ये तय हो चुका है और ये फैसला। मैं फैसला ले लिया तो क्या वहाँ से बहस कर रहा है? इधर इधर दिमाग का इस्तेमाल कर, कल जो था वो आज नहीं है। सांप से खेलने वाले भी ना सांप के डसने से मर गए। हर बात के लिए तू बस हाँ बोलते रहे, बाकी हम देख लेंगे। अपने हाथ में 6 महीने यार। उधर क्या खुसुर-पुसुर चल रही है? माँ आपका बेटा इस सुंदरी से शादी करने के लिए तैयार है लेकिन 6 महीने बाद, चलेगा? ये बात उस बेवकूफ को बोलने दे। अरे तू बोलना मैं क्या बोलूँ। माँ उसको शर्म आ रही है, शर्म क्या? आप भी काम करो ना। ए चल चल अपना काम करे। शादी नहीं करेगा बोलता है। Thank you.
माँ 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 ये झोला यहाँ क्यों रखा है? फिर ये मत बोलना कि मेरा पैसा कैसे चोरी हो गया, संभाल के रखना माँ। पैसे दे, घर के खर्चे के पैसे दे, इधर आ। तेरी रगों में भी बाप का खून दौड़ रहा है, तू कहाँ सुधरने वाला है? घर के खर्चे का पैसा चोरी करके गया, चोर कहीं का, सुबह दिखाती हूँ इसको। क्या बोल रहा है तू? तूने देखा? चार पांच लोग हैं, आज वो लोग बच कर नहीं जाने चाहिए। मरोगे, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? ए, जल्दी आओ, मैंने पकड़ लिया है चोर को। आ जाओ सब लोग, लगता है उसने उनको पकड़ लिया। जल्दी आओ, जल्दी चलते। Oh!
तूने पकड़ा था ना उसको, किधर है? अरे किधर भाग गए क्या, किधर भाग गए वो लोग बता ना। ए चल चल। हे प्रगति, तुझे देखा ऐसा घर में मत बताना, वरना जीते जी मार डालेंगे। हे मनी भाई, उस पराठे के दुकान वाला ने बकाया पैसा नहीं दिया, उससे कैन वापस लेके आना, और ध्यान रहे रास्ते में बच्चे कैन खोल कर ना देखें। चलो जल्दी जाओ। क्या बे, कितने बेकार लोग हो तुम लोग, चार बकरों को उठाने के लिए इतने लोग चले गए थे? बचपन में मैं अकेले ही चार बकरे उठा कर ले आता था। तू है तुम्हारी ताकत। हाँ, मैं आपके बचपन के सारे किस्से जानता हूँ। हाँ ससुर जी, आपके बारे में मुझे सब पता है, मुर्गी पकड़ने गए थे और उसका चूजा ले आए। क्या बकवास करती है, मैं चूजों के साथ मुर्गी भी उठा कर लाया था और मुर्गी के पीछे मुर्गा भी आ गया। भाभी, पिछले सप्ताह जो हादसा हुआ था वो पता है क्या? जिस मुर्गी का ये अंडा लेकर भागे थे, उस मुर्गी ने इनको इतना चोंच मारा कि मुझे इन्हें बचाना पड़ा। ये सब भी हुआ क्या? ए चला के मत दिखा, चार बकरी क्या ले आए, अपने आप को तोप समझ रहा है? मेरे से ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। ए, सब लोग बातें बंद करो और काम पर ध्यान दो। क्या रे भांजे, तुझे क्या चाहिए? मैंने मटन का खून लाने के लिए कहा है। अच्छा, खून मंगवाया है? हाँ। ए प्रगति, इधर आ, इसे मटन का खून दो। ए, ये तेरे हाथ पे निशान कैसा? इधर आ, हाथ दिखा अपना, ये क्या हुआ? आज तेरा चेहरा कुछ अलग लग रहा है, तुझे आने से मना किया था ना मैंने। अरे सुनो, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जरा देखो भूत का साया तो नहीं आ गया? ए छोटे, तू परेशान क्यों होता है, हमारे गांव के कुल देवता इसकी रक्षा करेंगे। आ बेटी, तू इधर आ। भगवान को साक्षी मानकर विभूति इनको लगा दो चाचू। क्यूरी, दोनों भाई बहन क्या इशारे कर रहे हैं आंखों से एक दूसरे को? ऐसी कोई बात नहीं है, बीच में मत बोल। सुनिए, आप ही अपने भाई से पूछ लीजिए ना। ए विशाल, क्या हुआ, जल्दी बता मुझे, क्या हुआ इसे? जब कल हम बकरी चोरी करने गए थे तो वहाँ किसी ने इसे पकड़ लिया था। अरे पर किसने पकड़ा? बहुत बढ़िया, अब सबको अंदर जाना पड़ेगा, जेल देखे सालों हो गए ना। इसका भाई चोरी करके जैसे अपने परिवार के साथ अंदर गया, वैसे हम सबको भी अंदर जाना पड़ेगा। हमने कोई बकरी नहीं मारी, चार इंसानों को मारा है, कुछ समझा? अब क्या होगा? इधर देख, पुलिस सूंघ के मुजरिम तक पहुंच जाती है। क्या रे, इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रहे हो? जिसने देखा है वो पहचानेगा तब ना। आप कहना क्या चाहते हो? अरे इसका मुंडन करके माथे पर चंदन लगा देंगे, कोई नहीं पहचानेगा। ये आप क्या कह रहे हैं, जवान लड़की को टकला करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अभी वो कहाँ मिलेगा? जो बोलना है बिना डरे बोल मेरे शेर की बच्ची। बकरी चोरी करने के वास्ते आए थे तुम में से किसी ने उन्हें देखा? उन्हें पकड़ के रखा क्या तुमने? तब से बोल रहे हो ढूंढ कर दो, ढूंढ कर दो, कहां से ढूंढ कर दे, कुछ तो सुराग दो। इतने सारे जवान लड़के एक दो को पकड़ कर नहीं रख सकते थे? चलो कंप्लेन लिखवाओ, देखते हैं। ए पुलिस, उसको एक ने देखा है। कौन है वो? क्या उम्र होगी उसकी? मैंने जिस लड़के को देखा उसकी उम्र 20 साल तक होगी। छोटे बच्चों के जरिए बकरी चोरी करवाते हैं, पहचानोगे उसे? इस जिले में इस तरह का अंतर है, यहाँ पर सब कुछ हरा भरा है और वहाँ सूखा रेगिस्तान, दक्षिण मानसून नाम है,
लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर गर्म हवा चलती है और यहाँ पर ठंडी हवा चलती है। ये गरीब लोग जीने के लिए क्या करेंगे? यहाँ एक तरफ हरियाली है और दूसरी तरफ सूखा, इसलिए दुश्मनी बहुत ज्यादा है। अगर ये प्राकृतिक आपदा है तो लोगों का इसका नाम बदलना चाहिए। ए, बकरी को चोरी करके झूठी कंप्लेन दे रहे हो क्या? अगर आप नहीं ढूंढ पा रही है तो हमको मत चिल्लाओ, हम ढूंढ लेंगे अपने हिसाब से। उस बस स्टॉप के सामने गाड़ी रोकना। बस में जाने के लिए पैसा है? नहीं है। वापस अपने गांव चले जाओ। चलो अब 20 रुपए में बंगला बनाएंगे, कितना खर्चा हो गया अपना। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। बारी तू मत रुकना। कल जब हम बकरी उठा रहे थे तो वहाँ किसी ने मेरी बहन को देख लिया था। वो लोग बहुत गुस्से में हैं, आसानी से रुकने वाले नहीं हैं। अगर आपने हमारी मन्नत पूरी कर दी तो पहला बकरा जो काटूंगा वो आपका होगा। मुझे उसकी मौत चाहिए। जवाब दो बाबा। तू जिसका शिकार करने जा रहा है ऊपर वाला तुझे उसमें कामयाब करेगा। विजयी भव। तेरे को चोर की शक्ल याद नहीं है क्या? अच्छी तरह याद है। अगर वो कोई आदमी होता तो भूल जाता, लेकिन उसका चेहरा तो एक लड़की का था। माँ कसम, क्या बोल रहे? तूने जिसको पकड़ा था वो लड़का नहीं था, लड़की थी। ए, लड़की पकड़ के मजा है क्या? मैं जो पूछूंगा सुन के तेरे को बुरा लगेगा तो? नहीं मतलब ऐसे तूने गले लगाया क्या? क्या किया उसके साथ बोलना? पटले एक दूंगा ना टकले पे। तेरा आइडिया समझ में आ गया है। बकरी चोर ढूंढने के बहाने पुलिस के सारे उसको ढूंढ रहे हैं। चल अब किसी भी हालत में उसको ढूंढने का ठान लिया तो ढूंढते, भले मेरा जेब खाली हो जाए लेकिन उसको ढूंढेंगे। चल पहले ये बता, उसकी कोई छोटी बहन है क्या? ए, तू चुपचाप नहीं चल सकता क्या? अरे गुस्सा मत करना, हम दोनों भाई भाई। ए बस वाले, ए रुकना, आ रहे ना हम लोग। ये बस डिपो तक जाएगा? जाएगा, लेकिन घूम कर जाएगा। अरे पिकनिक पे जा रहे हैं, जो घुमा कर ले जाएगा। ज्यादा बकवास मत करो, जाके सीट पर बैठो, लेकिन पहले टिकट लो। ठीक है, ये बस जिधर तक जाती है उधर का टिकट दे दे। ये ले पैसे, चल आ जा बैठ। चला रे। हम ऐसे ही गांव-गांव में उस लड़की को ढूंढते रहेंगे तो घर जाने के पैसे नहीं बचेंगे। तू तो जायदाद लुटाने की बात कर रहा था ना? तू ही बोल, लड़की के लिए लुटा दूं क्या? तो क्या करें, उसे कैसे ढूंढें? मेरा दोस्त है, उसका बाप कसाई है, वो चारों तरफ पहुंचा हुआ है। एक बार अपनी बात उसे बता देंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। ऐसा है क्या? हम उसे ढूंढ लेंगे ना? हाँ तो सही है, सही है। फिर मैं भी उसकी बहन को पटा लूंगा। हा? हम लोग इधर ही उतर जाए ना। हाँ यही है, चल नीचे उतर। चिल्लर वापस मांग रहा था, कहीं गलत जगह तो नहीं उतार रहा, इसीलिए चेक कर रहा था। चल निकल। जा जा जा। ए, तेरा बाप कहाँ है? एक बार मांगने से नहीं दोगे, बार बार इधर आना पड़ेगा क्या? शाम को जैसे ही धंधा हो जाएगा तो आकर चुका दूंगा, जाओ। तुम लोग हर बार ऐसे ही कहते हो, माल लेने में तो आगे रहते हो लेकिन पैसे देने में नानी मरती है, है? अगर तू चिल्लाएगा तो हम लोग डर जाएंगे क्या? अभी धंधे का टाइम चल रहा है, बाद में आके ले जाना, ठीक है? ए पांडी, तू बच्चा है लेकिन अपने औकात से ज्यादा बोल रहा है। ए, अंदर जा। मैंने कहा ना अंदर जा। बकरे चुरा कर लाते हो, ऊपर से धौंस दिखाते हो, पुलिस को बता दिया तो जेल हो जाएगी। अबे तेरी क्या रे, पूरा मटन हजम कर लेते हो और पैसा मांगा तो उंगली दिखा के बात करते हो? हाथ पैर काट दूंगा तेरे। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ओए अरे रुको, चलो। अरे तुम क्या कर रहे हो? इधर रुको। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चल चल चल। अरे रुक जा रे, क्या समझते हो अपने आप को? हैं, पगला बनते हो? निकलो ऐसे, निकलो। हम आपस में दोस्त हैं,
फिर इसे क्यों मार रहे हो तुम? उंगली दिखा के बात करता है। अगर ये उंगली दिखाएगा तो क्या तुम इसको मारोगे? बाकी पैसा भिजवा देंगे। अभी जाओ। तो जा रहा हूँ, पर इसको समझा के रखो। अरे जा रहे, सब्जी काटना, उधर क्या तमाशा देख रही है? चल आजा काम शुरू कर। ए, कौन है रे तू? गर्ल्स स्कूल के सामने खड़ा खड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है तू? मैं स्कूल के सामने नहीं बल्कि मेरे सामने तेरा स्कूल है। ए, कहाँ से आया रे तू? जानता नहीं मैं सरकारी आदमी हूँ। अंदर आके बताऊँ क्या? ए, अंदर आएगा? ओ, ऐसा है क्या? चोर अंदर है? अपन पकड़ लेंगे, टेंशन नहीं। ले। ए प्रगति, काम पे आई है तो सब्जी काट ना, बार बार उधर क्या देख रही है? चला जा काम कर। क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं। तू अंदर किधर जा रहा है रे? तुझे अंदर जाने के लिए मना किया था ना? तू मेरी सरकारी नौकरी में लगाएगा। मैंने उसको देखा, वो अंदर ही है, लाल ड्रेस पहनी हुई है, चेहरे पर हल्दी लगाई है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मैं उसको अच्छी तरह पहचानता हूँ। बात क्यों नहीं समझ रहे हो? बाहर चल यहाँ से, यहाँ आना मत, दिखना मत, जाके तेरा काम कर, चल। देखो मैंने उस लड़की को अंदर जाते हुए देखा है, वो वापस आएगी लेकिन कैसे आएगी ये कोई नहीं जानता। जाना बाबा, तेरे गाँव के एमएलए को बुला के ला। सुबह सुबह कहाँ तू मुझे परेशान करने आ गया? ए, तेरे को बोला ना सीधा यहाँ से निकल जाए, यहाँ देखना भी मत, चल। तेरा नाम क्या है? हाँ, प्रगति। वो चारों बकरियां कहाँ हैं? हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चुराई। जानती भी है, चार बकरियों की कीमत 12,000 है, ये पैसे हम भरेंगे। हाँ, मैं सिर्फ देखने आई थी, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। हम क्या कपड़े उतार कर नाच रहे थे जो तुम तमाशा देखने आई थी? क्या मतलब, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। बकरी चुराने वाली लड़की शराफत की बात कर रही है? मैं जा रही हूँ। चल चलते हैं। कहाँ? पुलिस स्टेशन, वहाँ तो बराबर बोलेगी। मैं कुछ नहीं। अरे उन लोगों के बारे में बताकर निकल जाना, चल। देख पूरे गांव वाले गुस्से में हैं और पुलिस वाले भी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तू लड़की है इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। तू सिर्फ बता दे दूसरे कौन थे, और अगर तू
अभी तो मेरा सर चकरा रहा है, उसके साथ बाहर जाना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा बस स्टेशन है। ए पानी पिलाना। पॉकेट में नहीं मिलेगा, एक रुपया दे। एक रुपया? पानी भी बेचता है। हाँ इतने पानी से तो बाढ़ आएगी ना। ए कहाँ जा रहा है? अरे मुतने जा रहा हूँ। एक के लिए जा रहा है तो एक रुपया लेके जा। एक रुपया पानी डालने का, एक रुपया पानी निकालने का, एक रुपया। क्या चिंदी चोरी है, शहर में कैसे जिएंगे लोग, गांव में जाके मूत लूंगा। तो घर जा, चल निकल। हाँ। देखो वो रहा, जो बीड़ी पी रहा है ना, वही है। पकड़ो उसे। तेज चलाओ। अब किधर गया वो? अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा। कोई भी गलत फैसला ना ले इसलिए मैं आ गया। मैं इस गांव को छोड़कर भला कहां जाऊंगा? मुझे मारना मत, ये बड़े शर्म की बात हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, अगर ये प्रगति के घर के बारे में पूछता तो कोई भी बता देता, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी था ना, तो मैं मदद नहीं कर पाया। आप तो समझ ही सकते हैं ना। ए बेवकूफ, अक्कल नहीं है? खुद को गवर्नमेंट स्टाफ बोलता है और स्कूल के सामने बीड़ी पीता है। चल निकल। लगता है कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। कि मैं नहीं हूं। ए तू बैठ जा और तू अपना काम कर। भाई कहाँ है तेरा? क्या बात है मैडम? इसके यहाँ से चार बकरियां चोरी हो गई हैं, इसलिए तेरे भाई से पूछताछ करने आई हूँ। कहाँ है वो? क्या बात कर रहे हैं आप लोग, एक बकरे को पालना कितना महंगा होता है पता है? इस गांव में चोरों की संख्या बढ़ती जा रही है, इज्जतदार लोग कैसे जी पाएंगे? ये चोरी का काम छोड़े हुए हमें 7-8 साल हो गए हैं,
अभी हम जंगल जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और रात को सीधा घर लौटते हैं। बकरी चोरी करने का टाइम कहाँ है? ए महेश, तो तुमने बकरियाँ नहीं चुराई? मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, सच में हमने नहीं चुराया है। और अगर हमने चुराया होता तो अगर आप यहाँ पर आए तो हम आपको बकरी वापस लौटा देते। बिल्कुल सही बात कही है तूने। मैडम जी, हमें दूसरों के सामान से कोई मतलब नहीं है और दूसरों के पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं। क्या यार, मैडम पहली बार घर आई है। ए प्रगति, मैडम के पीने के लिए एक गिलास पानी तो लाया, इतनी गर्मी है, सोचना चाहिए ना। भाई इनकी बकरियां चोरी हो गई है, जरा देवी माँ से पूछ के तो बताओ किसने चुराया है। ये लोग यहाँ बकरी चोर को ढूंढने आए हैं, जरा देख कर बताओ कि वो चोर आखिर किस दिशा में गया है। पश्चिम दिशा में जाओ, तुम्हें चोर मिल जाएगा। एक मिनट रुक, तेरी आंखों में डर दिख रहा है, निडर होके जा। ए, उसमें बहुत ही चर्बी भरी है, उसको ठीक से पहचान ले, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसको। इस लड़की को मैंने बकरी चोरी करते देखा था। अब कुछ कहना है तुम्हें? चुप रहो। देखो मैडम, इस मामले में औरतों का कोई हाथ नहीं है, ये सब मैंने किया। कोर्ट की तारीख, इसे बताकर ही लेकर जाना। आपका नाम? मुरली। गांव? जलीपट्टी। काम क्या करते हो? आप काम क्या करते हो? दूध का व्यापार। योर ऑनर, 28/6/2010 की रात को ठीक 12 बजे के करीब वैयलपट्टी विराई की कुल 4 बकरियों को इन लोगों ने चुराया है। इनको रोकने आए गांव वालों को इन लोगों ने बेरहमी से मारा। कहीं ये पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए, इसीलिए इसने गांव में घुसकर वैयलपट्टी मुर्गन को जान से मारने की कोशिश की है। जज साहब, हमने कोई बकरी चोरी नहीं की है, हम लोग गांव के मुखिया से बात करके आ रहे थे तो इन लोगों ने गलतफहमी में आकर हम पर हमला कर दिया। हम लोगों ने अपने बचाव में इन पर हमला किया। जज साहब, हम लोग निर्दोष हैं। जज साहब। हाँ साहब, गवाह को बुलाइए। बकरियों की चोरी करने के बाद भी एक दिन हमारे गांव में घुसकर मेरे बेटे पर हमला किया उसने। गांव वाले जमा हो गए और डरकर भाग गया वो। गांव में घुसने की हिम्मत कैसे की उसने? आप ही पूछो ना, ऐसा क्यों किया? जब बकरियां चोरी हो रही थी तब तुम लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। इनकी बात तो सुनो। योर ऑनर, ये लोग सो रहे थे, इतने घने अंधेरे में इन लोगों ने कैसे पहचाना कि बकरियां चोरी करने वाले यही लोग हैं? दैट्स ऑल योर ऑनर। इन पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि मुकेश, इलामारन, मुरली ने, मारी चामी के परिवार ने वलाईपट्टी विराई की बकरियों को चुराया है, ये जुर्म साबित हो रहा है। गांव में आना और हमला करना, ये सबूतों से पता चलता है कि गुनहगार यही हैं। इसलिए धारा 379 के तहत मुजरिम को 3 महीने की सजा और 25,000 का जुर्माना करार दिया जाता है। साहब, हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हम नहीं दे पाएंगे साहब। बचाइए हमें। अगर आप इतना पैसा नहीं भर सकते हैं तो ये अदालत आपकी सजा 3 महीने और बढ़ा सकती है। अच्छा वो तू बच गई। अरे तू ऐसे क्यों रो रही है? तू रोएगी तो बच्चों का क्या होगा? अरे 6 ही महीने है ना, बस ये गया और आया, तब तक घर को अच्छी तरह संभालना। क्या रे वकील, ये क्या बाहर निकलवाने की बात करके अंदर करवा दिया? जेल में क्या मैंने भेजा था? जज ने भेजा है ना। तो तू किस काम का? सबूत इतने पक्के थे तुम्हारे खिलाफ, उस लड़के को मारने की क्या जरूरत थी? ठीक है ठीक है, चल जाने दे। छोड़, अब मेरे धंधे की बैंड बज जाएगी। धंधे की बैंड ना बजे, इसलिए तो तेरे को जेल भेजा है। ए वकील, 6 महीने के बाद जब हम बाहर आएंगे ना, तब देखेंगे तू धंधा कैसे करता है, समझा? मेरी किस्मत ही खराब है, तुम लोगों की मदद ही नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी फीस, जाओ यहाँ से। जा यार। ठीक तरह केस लड़ने आता नहीं? अरे, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, अम्मा का आशीर्वाद ले लो, जेल में काम आएगा आशीर्वाद। खुश रहना, खुश रहना, 4 बार जेल जाकर आएगा ना तो डर खत्म हो जाएगा, लगता है ये जेल हमारे लिए ही बनी है। ए माँ जी, ये क्या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं? जो इन्हें टीका लगाकर विदा कर रही हो ये, तुम्हें चलो गाड़ी में बैठो, चलो। मैडम, हमें मदुरई जेल ले चलिए, वहाँ का टॉयलेट सुपर डुपर साफ है। अरे अब बातें बंद करो, चलो बात करो, चलो जल्दी, चलो 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 चलो। अरे घुसने दो ना। क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठा है? फैसला तो अपने ही हक में आया ना। इतने दिन से उसको ढूंढ रहे हैं, एक बार भी तो बोला नहीं उसकी कोई बहन नहीं है, जितना घूमा सारा बेकार हो गया। अच्छा तो इसीलिए तेरा मुंह फुला हुआ है।
तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बोल देते मैं तुम्हें पैसा दिलवा देता। अरे ऐसा क्या कर दिया? ये देखो पेपर में हमारे गांव का नाम बदनाम हो रहा है, बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश। भाई मैंने बयान नहीं देने का सोचा था, लेकिन उस लड़की ने अपने भाई के साथ मुझे फंसा दिया। अगर उसे छोड़ देता तो वो मुझे मार नहीं डालता, अब क्या सजा मैं भुगतूं? उस लड़की ने अपने भाई को कुछ नहीं बताया, उसके भाई ने ये सब कुछ अपने आप किया है और वो लड़की बेगुनाह है। अरे ये क्या बोल रहे हो? बहुत जल्दबाजी कर दिया तुमने। ने अपने भाई को नहीं बताया लेकिन मुझसे गलत फहमी हो गई, वरना मैं तुम लोगों को नहीं फंसा था। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता ना। क्या है? तुम्हारा नाम और तुम्हारी उम्र क्या है? उमर। हाँ उमर क्यों पूछ रहा है, शादी कराएगा क्या? ए, मैं वोटिंग डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा समझा? वोट ना, मेरे घर में 3 जन वोट देंगे, एक को भी मत छोड़ना, पैसा ज्यादा मिलेगा ना। तुम्हारे पास राशन कार्ड है? अच्छा वो छोड़, पिछले साल जो हीरो था उसको वोट नहीं दिया आप, तुम लोगों ने ना बोला था क्या पैसा खिला के? अरे क्यों, सुबह सुबह मेरा टाइम खराब कर रहा है। टीवी में दिखा दे, बड़े बड़े अखबार में छपा दे, कुछ नहीं तो शादी तो करवा दे, बाद में वोट दे दूंगा ना। अमेरिका वाले अफगानिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, अब आगे पढ़ना। इसके बारे में नेता क्या बोल रहे बोलना, ठीक है आगे पढ़ना। बेटा आपकी खबर एक तरफ से समझ में आ रही है, एक तरफ से समझ में नहीं आ रही है। ये बुढ़ो इधर इंटरनेशनल बातें हो रही है, तू क्या बीच में लेके बैठा है, ये तू आगे पढ़ना। ये बस भर के कौन आया है? अरे ये लड़की यहीं आ रही है। अरे हाँ रे, इधर आओ ना। क्या हुआ भाई? तुम सब इधर काहे को आए? एनएसएस कैंप के लिए आए हैं, रास्ते को साफ करेंगे और पौधे अच्छा, लगाएंगे। पौधा लगाओगी तो पानी कौन डालेगा? अपने घर में पौधे नहीं लगाते इधर लोग, शहर में 1 पैकेट पानी 1 रुपए का। जाओ जाओ। कौन हो तुम? सुबह से तुम यहाँ वहाँ क्या ताक झाक कर रहे हो? नहीं दीदी, वो खाना बनाने के लिए अगर लड़की वगैरह चाहिए तो। हमें किसी की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ, ये लड़कियों का स्कूल है, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। भलाई का जमाना ही नहीं है। वो सामने जो लड़की आ रही है पता है कौन है? बकरियों की चोरी करने वाली टोली की लड़की है। इधर क्या कर रही है? अरे वो जो बच्चे आए ना उनको खाना बनाकर खिलाती है। आपका गोला इधर आ। कहाँ आग लगाने जा रही है? लकड़ी जलाने के लिए आग नहीं थी तो मैं आग लेकर जा रही हूँ। ये कौन है पता है? इन्हीं की बकरियों को तुम्हारे भाई चोरी करने आए थे। तेरे भाई ने जिस तरह चोरी की, तू चोरी करके मत जाना, दिमाग खराब हो जाएगा, बाद में माफी बापी नहीं मिलेगी, समझी क्या? ए, जा। Thank you.
मेरी पोटली उठाई है तो दे दो। उधर से तो तुम लोग आ रहे हो, उधर ही गिरा था ना। ए, याद रखना मंदिर का पैसा है, तुम लोगों ने लिया तो अच्छा नहीं होगा। कहाँ गिरा दी मैंने? वो मासी अपनी पोटली को ढूंढ रही है, जाओ जाके तुम उसे दे दो। अरे ये इधर ही पड़ा हुआ था, मैं जाकर अभी दे देती हूँ। कहाँ रखती पता नहीं। अरे क्या ढूंढ रहे हो? पता नहीं मैंने अपनी पोटली कहाँ। पैसे वाला पोटली ना? हाँ, तुझे कैसे पता? मुर्गन ने ही बताया था, सारा पैसा पोटली में रहता है। मुझे तो लगता है मुर्गन ने ही पोटली लिए। ए, तूने लिया क्या? अरे माँ बकवास कर रही है। ए, उधर देख कौन आ रहा है। ये नदी के पास पड़ा हुआ था, वहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। गांव वालों से पूछा तो आपके बारे में बताया। लगता है इसमें पैसे हैं, गिनकर देख लीजिए। चोरी की तूने? चोर कहीं की? काली मंदिर में जाके तेरे नाम का काला जादू करवा दूंगी, इस डर से तू मुझको ये लौटाने आई है ना। देखिए मैं तुझे इस गांव में आने दिया, यही गलती हुई। आपकी काली माता के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि ये पैसा मेरा नहीं है। ये वो चोर लड़की क्या बोल रही है? अरे उसका नाम नहीं है क्या? चोर लड़की बुला रहा है, उसका नाम लेके बुलाना। अरे यार वो रोड तेरे गांव तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तू जो बकरी चराता है ना वो तेरे घर नहीं आएगी, लेकिन मेरी बकरी मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आएगी। अच्छा बात इधर तक पहुंच गई है। ए तू कुएं में कैसे गिर गया रे? गिर गया, दिखाई नहीं दे रहा है? हाथ नहीं दे सकता था क्या? अच्छा तो अब मेरे को हाथ भी देना पड़ेगा। कौन सा ये? लड़कियों को उसकी पसंदीदा चीजें दो तो वो वश में रहती है। नहीं मुझे वो रख। कौन सा ये वाला? ये चाहिए। बांगड़ी वाला, अरे रुक जाओ भाई। क्या चाहिए भाई? चूड़ियां चाहिए थी। चूड़ियां? पर तुम्हें क्यों चाहिए? बकरी को पहनाने के लिए। तो तुम्हारी बकरी चूड़ियां भी पहनती है? आप चूड़ी दीजिए ना। हाँ, कौन से कलर की चाहिए? लाल रंग की। लाल रंग की? कांच वाली दूं या रबड़ की? कांच वाली चूड़ियां दीजिए। हाँ कांच की चूड़ियां चाहिए। हाँ। पर ये बहुत जल्दी टूट जाती है, बकरी से कहना ध्यान रखे, समझ गए? नहीं नहीं, इसकी आवाज से पता चलेगा ना कि बकरी किस तरफ जा रही है। अरे बहुत समझदार है, अपनी बकरी का ध्यान रखना। लो ये लीजिए।
जो अंदर दीदी है तू उसे जानता हाँ, पता है? जानता है ना? जाकर हाँ? देख उसने लाल रंग की चूड़ियां पहनी कि नहीं, ठीक है? हाँ? ये एक रुपया रख। बस एक रुपया? इतने में तो मेरी एक चॉकलेट भी नहीं आएगी। रखो इसे, तुम ही बीड़ी पी लेना, मैं जाकर देख कर आता हूँ। क्या हुआ, ये रोते हुए क्यों आ रहा है? लगता है कि इसने खेल को बिगाड़ दिया। इधर आओ, रो क्यों रहे हो? उस दीदी ने मुझे मारा। लेकिन मारा क्यों? मैंने बोला कि कोई जानना चाहता है कि क्या तुमने लाल रंग की चूड़ियां पहनी है, तो मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे मैंने पूछ कर आने के लिए थोड़ी, देख कर आने के लिए कहा था। मुझे लगा कि तुम तो होशियार हो, लेकिन नहीं। ए, जाओ अंदर जाकर खुद देख लो कि उन्होंने लाल रंग की चूड़ियां पहनी है किसी और की। दीदी एक मिनट, ए जाओ ना, तुम लोग काम करने आए तो जाओ ना, काम करो। तुम लोग जाओ। वो एक पैर पे काय को खड़ा है पता है? तू ये मत सोच उसके पैर में कांटा चुभा है, वो उसकी तपस्या है। मैं उसको जीजा बोल के बुलाऊं, तेरे को दीदी बोल के बुलाऊं, अब तो समझी कि नहीं? तूने उसके घर में बकरी चोरी की, फिर भी उसने तेरे को माफ किया। लेकिन तेरे भाई ने इसको मारा ना, तब इसके पास कोई चारा नहीं था। अब तो तू समझ रही है कि नहीं? अगर अभी भी नहीं समझी तो उसको जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। भैया को पागल बनाकर अपने पीछे घुमा रही हो? टीचर बुला रही है, आप बताओगी तभी जाओ, हम जाएंगे। अपना काम करो, जाओ। बताओ अभी। मैं इस गांव में आई तो सिर्फ उसको देखने, उसके दिल में जगह बनाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं रहेंगे। तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसे पीछे घूमने दो और कोशिश करने दो, मैं नहीं बात करूंगी। रुको ना दीदी। क्या, तुम्हें तो पसंद है ना? अगर पसंद नहीं होता तो उसे देखती क्यों? चुप रहो तुम लोग, मुझे भी वो पसंद तो है। फिर आपको बात करनी चाहिए। मैं नहीं करूँगी, वो लड़का है तो उसको आकर बात करनी चाहिए, उसके बाद मैं देखूंगी। ए खाना पकाने वाली, कब से आवाज दे रहा हूँ। अरे रुक जा, कंगन देता हूँ तो लेती है, पहन लेती है और देख कर हंसती भी है, लेकिन सिर्फ बात ही नहीं करती। एक चोर के घर की बेटी का हाथ तुम्हारी माँ मांगेगी क्या? देखा, रुक गए। तू जितना बड़ा हो गया है अकल तेरी उतनी छोटी है। लड़की बोल रही है एक चोर के घर की बेटी का हाथ तेरी माँ मांगेगी, इसका मतलब क्या हुआ? वो आगे का सोच रही है, तुझसे शादी करना चाहती है, तू उसके दिल में। अगर हिम्मत है तो बेझिझक बात करना, सब कुछ एकदम मस्त हो जाएगा। अरे अभी बोला तो अभी पूछने जाएगा, ये काम तो निपटा के जा। तुमने जो बोला वो मैं समझ गया। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रहूंगा, देख लेना। कसम खा के कहता हूं। अरे मेरी माँ, बस इतनी हिम्मत है तुम में? तुम मेरी माँ के बारे में चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूंगा। एक बार कह दिया तो कह दिया। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम्हें अब भी भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं? सुनो। देखो तुम मुझे पसंद करती हो ना, तो मुझ पर भरोसा भी तो होना चाहिए ना तुम्हें। बेवजह मुझे परेशान क्यों करती हो?
तुम्हारी माँ मुझे नहीं अपनाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, वो नहीं मानेंगी, एक चोर परिवार को नहीं अपनाएंगी। ये क्या बोल रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ कौन चोर नहीं है? राशन की दुकान से लेकर लोग मिट्टी तक की चोरी करते हैं, ये सब कोई अपराध थोड़ी ना है। मेरा यकीन करो। मेरे लिए माँ को छोड़ पाओगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन तो करो। मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? ए, क्या है? डर लग रहा है बोल रही थी ना। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। ये डर नहीं है। तो फिर क्या है? ए, तू ऐसे ही रुक, तेरे होठों में कुछ है। रुक 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 रुक, मैं देखता हूँ, कुछ तो है, देखने दे। क्या है देखो तो। मैं बहुत ही शरीफ लड़की हूँ, शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं। तबीयत खराब है, उस पर तू सपना देखकर मेरे ऊपर गिर रही है। भाई का नाम मुर्गन है, जंगल में बकरी चराता है, भविष्य के बारे में सोच के परेशान है, आगे क्या होगा आप ही बताओ। ठीक है, मुर्गन के नाम पे एक चिट्ठी निकाल मीनाक्षी। मुर्गन के नाम पे शिव और पार्वती की चिट्ठी निकली है, ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब कि लड़के की शादी किसी खूबसूरत कन्या के साथ होगी। मुझे भी बताइए। अरे, तोता पकड़ने की उम्र में तोते से भविष्य देखना चाहते। काका, मेरा नाम गणेशन है, अपना भी भविष्य बता दो। चल जल्दी से गणेश के लिए एक चिट्ठी निकाल मीनाक्षी। माँ कसम इतना सोच रहा है, ये भी कंफ्यूज। राशि की चिट्ठी ही निकालना मीनाक्षी। गणेश के लिए हनुमान जी की चिट्ठी निकली है, इसका मतलब तू जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहेगा। क्या करूं, उस लड़की की बहुत याद आ रही है। ए भाई, उस लड़की को देखने के चक्कर में उसके गांव मत चले जाना, उसके गांव के लोग खतरनाक है, खाल निकाल कर खूंटी में टांगेंगे। हाँ, तो क्या करूं, उसे बिना देखे रहूं? अरे तेरी बात मैं समझता हूं, इसके लिए मेरे पास एक दवा है। क्या शराब है क्या? अरे शराब नहीं बोलते, कितनी मुश्किल से गांव में बनाते पता है ना। मेरे पास पैसे नहीं है। तो शराब की दुकान पे चलते। अभी बताया ना, पैसे नहीं है मेरे पास। 20 रुपया भी नहीं है क्या? क्यों, गांजा पिएगा क्या? मैं जो भी करूं तेरे को क्या है? ए, सीधा चलना बहुत हिल रहा है तू। मैं कहाँ हिल रहा हूँ, मैं तो एकदम सही चल रहा हूँ। अरे यार, ये जमीन हिल रही है। शराब में इन लोग ने डबल पावर मिक्स किया, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, पहले एकदम मस्त साफ दिखता था, अभी अंधेरा अंधेरा। तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, तेरे खेतों में कोई काम कर रहा है कहीं? तेरी माँ तो नहीं है? हालत खराब हो जाएगी अपनी। ए, सुन माँ, खाना दे।
काम करो तुम लोग। इस पनौती को जन्म दे के पछता रही हूँ मैं। भूख लग रही है माँ, खाना देना। हे, एक ऐसा मारूंगी ना सर फट जाएगा। उठ। देसी दारू मत पी, कितनी बार समझाया तुझे। तो क्या करूँ, विदेशी दारू पियो। नशे में हाथ पैर टूट गए तो कौन बैठा कर खिलाएगा। तू अभी खाना खिला माँ, बात की बात में सोचेंगे ना। अपने बाप की तरह बीच रास्ते में मरना चाहता है क्या। माँ भूख लग रही है माँ। माँ चम्मच कहाँ है। पी ले चुपचाप। ए मुर्गन, ए मुर्गिया। मामा मामा, मैंने कुछ नहीं किया। मामा गए थे तुम लोग और उसको शराब क्यों पिलाई तूने। अरे मैं लेकर नहीं गया था, वो लड़की ने हाँ बोला शादी के लिए तो पी लिया खुशी में। कौन सी लड़की रे। हाँ वो लड़की जो उस दिन झोला ला कर दी थी ना, दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं पता है ना। अरे मिलवाया था ना उस दिन। क्या बोल रहा है तू, कितने दिन से चल रहा है ये सब। कितने दिन से नहीं, कितने महीने से, ये पूछो ना। मुर्गन मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा वैसा मत करना तुम। मेरे भोले भाले बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। चोरनी कहेगी तुझे मेरा ही बेटा मिला था क्या। अरे ऐसे कहां लेके जा रही है मेरी बच्ची को, छोड़ छोड़। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तू आग लेकर गली गली घूम रही थी। जानवरों के साथ इंसानों का भी दिल चोरी करते हो तुम लोग। चोरनी कहेगी दिल चुराने के लिए मेरा बेटा ही मिला था। हमारे घर की लड़की बात कर रही है। आने दो बात कर। हमारे बेटे को जेल गए हुए हैं, वो वापस आएंगे ना तो तुझे सबक सिखाएंगे। चोरनी को रहना लो। बदनाम कर दूंगी, चल रे। देख, हमारे बीच में चाहे कोई भी आए, चाहे कुछ भी कर ले, तू मेरी बीवी बनेगी। मेरी मां की कसम, मुझ पर विश्वास कर। आइए। आइए, मेरे पापा दुकान गए हैं, एक मिनट आप बैठिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। आ गए। नमस्ते। कैसे हो तुम? बस अभी ठीक तो हो ना? हाँ। ऐसे अचानक आ गए, कोई परेशानी है? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। इसके पिताजी घर पर नहीं है, कब वापस आएंगे कह नहीं सकती। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ अच्छी चल रही। हाँ अच्छी बात है, ये लीजिए पियो ना बेटा, ठंडा पियो। कोई बात नहीं दीदी, इनके पापा आएंगे तो बता देना, बात करनी थी। ठीक है ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ दीदी। ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, अब तुम चलो। हाँ ठीक है दीदी, मैं आता हूँ। सुनिए, सासू माँ आई थी, शादी के खर्चे के साथ 50,000 रुपए मांगे थे। आप चिंता मत कीजिए, उधार लेकर आप शादी की तैयारी शुरू कीजिए। मैं खेतीबाड़ी में काम करती हूँ, कैसे भी काम करके कर्ज चुका दूंगी। आप दिल में कोई बात मत रखिएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दामाद जी, दामाद जी, क्या बात है दामाद जी, बिना बताए चले जा रहे हैं। चलिए घर पर चलकर बात करते हैं। नहीं घर नहीं जाते हैं। फिर किधर जाना है?
बोलिए दामाद जी। क्या ससुर जी नीट पी रहे, थोड़ा पानी तो मिक्स कर लो। दामाद जी, आपके पिताजी और मैंने इस गांव में कितने लफड़े किए पता है? क्या करे दामाद जी, भगवान ने उसको जिंदगी ही कम दी थी। लेकिन एक बात है दामाद जी, अब अपने पिताजी की तरह हूबहू दिखते हो, इसलिए मैं अपनी बेटी को आपको दे रहा हूं दामाद जी। ससुर जी, मेरे पिताजी तो नहीं है, आपको पिताजी मानकर एक मदद मांगू? जरूर करेंगे दामाद जी, मदद जरूर करेंगे, बोल के तो देखिए। ससुर जी, आपकी लड़की अच्छी है, अगर मैं उसे पहले मिलता तो शायद उसी से शादी करता, लेकिन उससे पहले मैंने एक लड़की को जबान दे दिया है। ससुर जी, आप ही अपनी बेटी को समझा सकते हैं। लेकिन एक बात है ससुर जी, आपकी लड़की से शादी करने के लिए किस्मत होनी चाहिए, मेरी किस्मत में नहीं लिखी है। ससुर जी संभालिए। दामाद जी चले जाओ, दामाद जी अगर मैंने ये बात अपनी बेटी को बताया तो उसका दिल टूट जाएगा। दामाद जी चले जाओ, चले जाओ बाबा जी, चले जाओ, दिल तोड़ दिया मेरी बेटी का। अरे सारे गांव वालों ने कहा था कि इस लड़के पे भरोसा मत करना, फिर भी मैंने भरोसा किया। अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, क्या किया मैंने। गांव वालों ने कहा था कि एक विधवा के परिवार से रिश्ता मत जोड़ना, लेकिन मैंने भरोसा किया और तुमने इस बिन माँ की बच्ची का दिल तोड़ दिया। इसी दिन के लिए कहाँ छपवाना था तुम लोगों को? भगवान उसका घर कभी ना बसे, कीड़े पड़े ने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बच्चे की, एक ही बेटी थी मेरे दिल तोड़ दिया। तू जानता नहीं वो लोग चोर हैं, वो पैसों के लिए खाने में जहर मिला सकते हैं। कलावती से शादी कर ले, जिंदगी भर वो ही साथ देगी, ये तो छोड़ के चली जाएगी। वो सांप है, कभी भी डस लेगी, और अगर एक बार उसका जहर फैल गया ना तो उतारना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मान ले बेटा, कलावती से शादी कर ले। देख माँ, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकता हूँ, उनके गांव जाकर हंगामा क्यों खड़ा किया, मुझे बदनाम करना चाहती है। ए! अगर तू उस चोरनी से दोबारा मिला ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ की बात ना मानने वाला बेटा कुल के लिए कलंक होता है। छोड़ूंगी नहीं दोनों को, साथ में काट डालूंगी दोनों को। ए वीरई, वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे उसी से शादी करने दे, अपनी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, उसकी जिंदगी शुरू होने वाली है, तो तू क्यों इसमें रुकावट बन रही है? कैसे शादी करवाऊं उसकी? वो किस गांव की लड़की से शादी करना चाहता है तुम जानती हो? कैसे करवाऊं शादी? मैं जिंदगी भर जिस जमीन पर कदम नहीं रखना चाहती थी वो उसी गांव की लड़की से शादी करना चाहता है। सुनिए जी, छत से कुछ गिरने की आवाज आई क्या? रुको मैं देख कर आता हूँ। बस बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, क्यों रो रहा है इतना? मत रो बेटा मत रो, कहाँ जा रहे हो? बच्चे की परवरिश के लिए पैसा कमाने जा रहा हूँ। तो? ताकि मैं इसे एक अच्छी जिंदगी दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन इतनी रात को क्यों? ये तुम नहीं समझोगी। बच्चा इतना रो रहा है और आप चले जा रहे हो? रुको। ए, घर में लाइट जल रही है, देखा? हाँ यार, घर पर शायद उन्हें अकेले डर लग रहा होगा इसीलिए उन्होंने लाइट जलाई है। चलो
यहाँ तो किसी की मौत हुई है, हम यहाँ चोरी नहीं कर सकते। ए बाऊ, अच्छाई का ज्ञान देना बंद कर। ए, चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं। मैं परिवार वाला हूँ और मैं इस पाप का हिस्सा नहीं बन सकता। अबे लॉटरी लग गई हमारी, देख इसके शरीर पर कितना सोना है। ये गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है। बेवकूफ, चल जा, मैं संभाल लूंगा। ए शिवन आंटी। क्या सर? कल रात को किधर गया था तू? मैं तो खेत में पैरा देने गया था। क्या हुआ? 10 तोला सोना की लालच में एक औरत का खून किया तुम लोगों ने। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो। कुछ भी होगा तो मुझ पे आरोप लगाओगे। तुम्हारे गांव में से ही किसी ने किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तू स्टेशन आ जाना। मुझे कुछ पता नहीं है सर। वहाँ देख लेते हैं। ठीक है आ जाऊंगा। कल क्या हुआ था जी? तो चुप रहेगी तो पुलिस क्यों आई थी यहाँ? भाई क्या चाहिए तुम्हें? जन घुट्टी है क्या, वो जिससे बच्चों को दूध पिलाते हैं? एक दे दीजिए। कितना हुआ? 2 रुपए। 2 रुपए, चलो दे दो। मेरी बात सुन, अगर पुलिस ने इस पर दबाव डाला तो ये मुंह खोल देगा। अब क्या करे भाऊ? दीदी आप यहीं पर रुकिए, मैं उनसे बात करके आती हूँ। ठीक है, तुम जाकर आओ। आप मेरे दूर के रिश्तेदार हो, मैंने बचपन में आपको देखा था। इस रिश्ते को करीब लाने की मेरे पापा ने कोशिश की। पापा ने जो आपसे उल्टा सीधा बोला वो मन में मत रखिए। उन्होंने आपको श्राप दिया, इस दुख में रात भर जागकर रोते रहे। आपकी परिस्थिति ऐसी है तो आप क्या कर सकते हैं? कौन किसका है किसको पता। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए जी, आपने जिसको चाहा है वो आपको जरूर मिलेगी। जल्दबाजी में मेरी शादी भी तय हो गई है। आप मेरी शादी में आओगे या नहीं पता नहीं, इसमें आपका फोटो है। अब ये मेरे पास नहीं रहना चाहिए, इसीलिए आपको ये मैं वापस लौटाने आई हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप जिंदगी में हमेशा खुश रहें। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ये इतनी बड़ी मुसीबत है क्या? इतनी ज्यादा शराब पी ली तूने? अरे इस दुनिया में कुत्ते बिल्ली जीते, हम नहीं जी सकते क्या? मेरी बात सुन, मैं अपनी बकरियां बेच के पहाड़ी वाले मंदिर में तेरी शादी करवाऊंगा। तू और प्रगति, परसों शादी है तेरी, मैं कराता हूँ ना, देख कौन रोकता है, चल।
एक बात बता, मैंने कितनी बदमाशियां की हैं, कितनी शैतानियां की हैं, यहां तक कि शराब पीकर रोड पर पड़ा रहा। ये सब मेरी माँ ने सहन किया है, लेकिन उसे जैसे ही पता चला मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, वो काली बन गई। अरे सिर्फ तेरी नहीं, दुनिया की हर माँ ऐसी होती है, हर माँ, इसलिए तो माँ को माँ बोलते। क्या रे, वो अकेली हमारे घर में घुस के तुम सबको मार के चली गई। तुम चार मोटी मोटी औरतें उस एक से मार खा गई। अरे आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? उसकी बकरी चोरी हुई थी इसलिए वो आकर हमसे झगड़ा कर रही थी। आप जाकर उसकी बकरी के पैसे क्यों नहीं दे देते? एक दूंगा भी, जबान चलाती है, हमने उसे उधार लिया क्या? मेरा पीछा छोड़ो, मुझे कुछ नहीं पता। उसे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा। लगता है ये लोग अभी भी सुधरे नहीं है। हाँ यार, ए चल यहाँ से निकलते भाई। चरने के लिए कोई तो बकरा बाहर आया होगा, चल पकड़ कर ले आते हैं। मोबर कर जाया से। या यार, कब तक चुप रहेंगे हम लोग? इस घर में कौन मेरी बात सुनता है? मेरी तो किसी को पड़ी नहीं हुई है। कल बस स्टैंड में मैं तेरा इंतजार करूंगा। हम शादी करने वाले हैं और मुझे पता है तुम जरूर आओगी। अच्छे से रहना, समझी? अगर तेरे भाई को पता चलेगा तो क्या होगा पता है ना? शराफत से रहना, वो खुद तेरी शादी अच्छे घर में करवाएंगे। तब तक शांत रहना एक अच्छी लड़की की तरह। अभी अभी वो जेल से बाहर आए हैं, अब फिर ऐसा कुछ मत करना कि जिससे वो फिर जेल जाए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। नहीं, नहीं चाहिए मुझे। ए प्रगति, चलो, पागल हो गई क्या? तुम इसके बीच में मत आओ। देख प्रगति, उन लोगों ने हमको पुलिस के हवाले करवाकर ये खबर पेपर में देकर हमारी इज्जत खराब कर दी। हम उनके परिवार को मिटाना चाहते हैं और तुम उनके साथ जिंदगी बिताना चाहती हो। मेरी बात सुन प्रगति, तू उसके साथ खुशी से रह पाएगी ये मत सोचना। मैं तुझे छोड़ दूंगा क्योंकि तू हमारी बच्ची है, लेकिन मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। क्या समझी? क्या हुआ?
ए, क्या हुआ बोलो। चोरनी कहीं की, तू अपने ससुराल ही आई है ना, वापस क्यों जा रही है? चल अंदर आ। कहाँ है तुम्हारे भाई लोग, मुझे बता। Hey, हमारी बच्ची को कहाँ छिपाया? तूने हमारे घर में आकर झगड़ा किया? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? तेरा बेटा कहाँ है? मेरे हाथ लग गया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसे क्या तूने कोई पेड़ समझ रखा है? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भगति को कहाँ छिपाया है? ए, वो मेरी बहू है, कुछ नहीं सुनूंगी उसके बारे में। ए, तू इससे क्या बात कर रहा है? ले इसे मार। चला क्यों रहा है? उस लड़की को लेकर आ और मेरे बेटे को खबर दे। रोकर चिल्लाकर गांव वालों को मत बुला, ये अपमान है, बेइज्जती है। मैं अस्पताल में जाकर भर्ती होती हूँ, तू जल्दी आ।
कौन सा गांव है? नहीं पट्टी। ये कैसे हुआ? बैल ने सींग मार दिया। ये बैल के सींग का घाव तो नहीं है? तुम्हारे साथ कोई आया है? नहीं। राजा इधर आओ, ये पेशेंट यहाँ कैसे आई? मुझे भी खून देना है डॉक्टर, मैंने अच्छी तरह पहचानता हूँ। कैसे जानते हो? ये कुछ दिन पहले ब्लड डोनेट करने आई थी। ओपी शीट लेकर इसे ढंग से एडमिट करो और इसे ओटी लेकर आओ। कहाँ है वो लोग? कहाँ गए बोलना? मुर्गे यहाँ कौन है? वो औरत उसे बुला रही है, होश में आ गई है, जाके देख लो। मर गया। एक दूसरे के साथ दुश्मनी मोल लेते हुए हमारा वंश खत्म हो जाएगा बेटा। पतले की भावना मत रख। जिसने मुझे मारा है उसे ऊपर वाला सजा जरूर देगा। तू जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। तुझे जेल भेजने के लिए उस बंजर जमीन पर काम नहीं किया। तेरे भरोसे जो लड़की आई है उसको बीच मझधार में मत छोड़। तुझे जिंदा रहना है। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की है, तुम दोनों सदा खुश रहो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मुर्गैया, एक बात ध्यान से अपने दिलो दिमाग में बिठा ले, बदले की आग जिंदगी तबाह कर देती है। तू मेरे वचन को नहीं तोड़ेगा। माँ, क्या बोल रही है माँ? मुझे वचन दे। मंगलसूत्र कहाँ है? ला इधर, निकाल, रख। भगवान रक्षा करना, मेरे वंश को आगे बढ़ाना। बांध, बांध इसको, बांधना, बांधे। रो मत, चुप हो जा, डर मत। मर भी जाऊंगी ना तो तुम्हारी बेटी बनकर वापस जन्म लूंगी। माँ, तुम लोग अभी भी यही हो क्या? उन्हें ज्यादा देर तक बात करने के लिए मना किया है, डॉक्टर आते ही होंगे। चलो चलो चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। देखो दुकान में किसी को ज्यादा उधारी मत दे। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो और क्या हा? चोरी करके मटन बेचने वाले मुकेश को देखो, अपनी प्यास बुझाने के लिए इस वक्त पानी पी रहा है वो। यही मौका है, चलो। वहां से एक बड़ा पत्थर उठा कर लेकर छोड़ेंगे नहीं।
मर गया, मर गया। अभी बुलाती हूँ सासू माँ। माँ बुला रही है। ए, माँ बुला रही है, चल। क्या हुआ माँ? माँ तुमने मुझे बुलाया ना, तुमने मुझे बुलाया ना माँ? ए माँ, तुमने मुझे बुलाया ना माँ? देख मैं आ गया माँ, देख ना माँ, मैं आ गया। तूने तूने बुलाया तो मैं आ गया ना माँ। देख ना माँ मुझे, माँ मुझसे बात कर ना माँ। ए माँ, माँ तेरे लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया माँ। ए माँ, माँ उठ ना माँ। बेटी पैदा हुई है।